वेलकम टू थाईलैंड। मैं अभी अभी आया एयरपोर्ट से, अपने हॉस्टल में चेक इन किया और अब मैं जा रहा हूँ वाट फ्लो देखने। बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं मिलता हूँ वाट फ्लो। मैं आ गया हूँ अभी वाट फ्लो टेम्पल पे। पहले तो मेरे नाम प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि वाट जो शब्द है वो संस्कृत से ही उठाया गया है और वाट फ्लो का पूरा मीनिंग ये है, द टेम्पल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा। ये वन ऑफ द टॉप टेम्पल्स में आता है थाईलैंड में। तो आज जैसे ही मैंने लैंड किया तो मुझे लगा ये तो देखने जाना ही चाहिए। इनका टैक्सी चालू नहीं हो रही तो देखते हैं अंदर जाके कैसे लगता है। 200 बात पे करने पड़ेंगे तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सही भी लग रहा है। ये है टिकट सेंटर, यहाँ से एंट्री हुई। अब चलता है एंट्रेंस की तरफ। लगता है गणेश जी है। देखिए यहाँ पर गणेश जी भी मिल गए। तो ये था वाट फ्लो टेम्पल। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, अधूरी नींद और बैंकॉक के ट्रैफिक के बाद मेरा मन था कि मैं किसी शांत जगह घूमने जाऊं, और इस जगह ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। रिक्लाइनिंग बुद्धा का जो स्ट्रक्चर था वो सही में काफ़ी बड़ा और सुंदर था। साथ ही मैं जब मैं वहाँ पहुँचा तब प्रेयर भी चल रही थी तो काफ़ी पीसफुल सा एटमोसफेयर था। इसके अलावा जो मुझे पसंद आया वो था यहाँ का कैंपस, इतना साफ सुथरा और साथ में ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स जो कि आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में देख पाएंगे। आप यहाँ आराम से 1 से 1.5 घंटा स्पेंड कर सकते हैं। और मज़े की बात ये थी कि मैं वर्क डे में गया और मुझे ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिली, और मेरे लिए काफ़ी अच्छा था क्योंकि मुझे ऐसे ही शांत जगह जाना पसंद है। अगर आपने मेरी दुबई और वियतनाम की वीडियोज़ देखी हों तो वहाँ मैं पहले दिन से ही घूमने निकल जाता था। इस बार मैंने डिसाइड किया कि पहले दिन को लाइट ही रखूँ, और सही में यहाँ आके काफ़ी शांति महसूस हुई। अब वक्त हो चुका था शाम के करीब 6:30, और तब तक ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट स्पॉट्स यहाँ बंद हो जाते हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब हॉस्टल जाके अपनी अधूरी नींद पूरी कर लूँ। बस अब इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।